अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू जड़ी मिटला ऑफिशियल चैनल। शहर हैदराबाद के गोशामर कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी एमएलए राजा सिंह का बड़ा बयान। मीडिया से बात करते हुए ये कह रहा है, अगर बीजेपी अगले इलेक्शन में टिकट नहीं देती है तो ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा, पॉलिटिशियन छोड़ देगा। लेकिन मेरी आखिरी सांस तक किसी भी पार्टी जैसे बीआरएस हो या कांग्रेस पार्टी में शामिल कभी भी नहीं होगा। मेरा मकसद तेलंगाना को हिंदू राष्ट्र बनाना है। दोस्तों, वो यही कहावत हो गई, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े। यहाँ पर तेलंगाना में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। और पहली बात, इसको कोई सेक्युलर पार्टी टिकट नहीं देगी और ये कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएगा तेलंगाना में। क्या आने वाले असेंबली इलेक्शन में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को कोई टक्कर दे पाएगा चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी से? आने वाले हैदराबाद के असेंबली इलेक्शन की तैयारी मंजलिस कर रही है। हैदराबाद में AIMIM कितने सीट पर लड़ेगी? अब की बार किसको टिकट देगी और किसको नहीं देगी? ये अभी अनाउंस नहीं हुआ है कि MIM कितने सीट पर लड़ेगी। लेकिन आपको बता दें, 2014 से 2018 के पोलिंग वोट के आंकड़े, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को 2014 में 80,393 वोट से जीत हासिल हुई थी और 2018 में 95,339 वोट से जीत हासिल हुई थी। दूसरी तरफ अदर्स पार्टी को देख सकते हैं, TRS, BJP, MBT या कांग्रेस के कैंडिडेट दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर पाए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का। तो आने वाले इलेक्शन में आप ये पिक्चर से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब की बार अकबर साहब को भारी मेजोरिटी से जीत हासिल होगी।